हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। इस वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को समझेंगे और एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ट्रायंगल का यदि हमें नॉमिनेशन करना है तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ट्रायंगल को हम भुजाओं के आधार पर तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रायंगल कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल, सेकेंड आइसोसेलिस ट्रायंगल एंड थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं तो वह ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज हो रहा है। जिससे कि हम यहाँ पे एनिमेशन में देख रहे हैं इस ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स क्या है, इक्वल है, इसलिए हम ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की वन मोर प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो ऑल एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं और साथ ही साथ ये बराबर भी होते हैं। जैसे कि हम देखें कि ये एंगल जो है वो हमारा ऊपर वाले एंगल के इक्वल है, साथ ही साथ ये जो सेकेंड एंगल है वो भी हमारा दिए हुए इस एंगल के क्या है, इक्वल है। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और ईच एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री के लिए इक्वल होता है। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल थ्री एंगल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। भुजाओं के आधार पर हम दूसरे ट्रायंगल को जानते हैं, उसको कहते हैं हम आइसोसेलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की टू साइड की लेंथ यदि इक्वल हो यानी दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि हमारे ये जो दो ये जो ट्रायंगल है इनकी ये टू साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बेस पर हम ट्रायंगल के तीसरा टाइप जानते हैं स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर ना हो, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एबी की लंबाई 5.83, यहाँ पे 10.78 और यहाँ पे एसी की जो लंबाई है वो 15.04 है, तो ऐसे त्रिभुज हमारे स्केलेन ट्रायंगल कहलाते हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज की ऑल थ्री साइड की लेंथ हमारी डिफरेंट डिफरेंट हो तो ऐसे ट्रायंगल हमारे जो होते हैं स्केलेन ट्रायंगल कहलाते हैं। गुणों के आधार पर भी हम ट्रायंगल को थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स अगर हमारे 90 डिग्री से छोटे हों, मीन्स ऑल कोण एंगल जो हो हमारे एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड पैटर्न हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण वन एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसका जो नाप होता है 90 अंश से 180 अंश के बीच में हो यानी कि अधिक कोण हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। वह ट्रायंगल जिसका एक कोण की नाप अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो ऐसा ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और थर्ड पैटर्न हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी कि 90 अंश का हो तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजों को तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा हमारा होता है आइसोसेलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है हमारा समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कोणों के आधार पर भी हम ट्रायंगल को थ्री भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो यानी कि एक्यूट एंगल हो तो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक और बट 180 अंश से कम हो तो वह त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब हम एक्सरसाइज 5.6 के फर्स्ट क्वेश्चन को करें।
इसमें कहता है कि हमें त्रिभुजों के नेम बताना है। तो एक त्रिभुज जिनकी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो। तो हम देखते हैं कि इस त्रिभुज की सभी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो अलग अलग है, तो इसलिए ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल होगा। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई 8.7, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मीन्स इसमें भी तीनों भुजाओं की लंबाइयां हमारी साइड्स की जो लेंथ है डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ये भी ट्रायंगल हमारा स्केलेन ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट सी में हमें कहता है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर हमारा इस प्रकार है कि उसकी ऑल साइड की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर होती हैं तो हम ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, मींस समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जैसे कि हमने एनिमेशन में भी देखा। अब नेक्स्ट उसके आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। एक त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि उसका एक कोण समकोण है। तो अभी अभी हमने देखा कि ऐसे त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऑफ दैट समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन हमको कह रहा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में मीजरमेंट यानी कोण वाई की जो नाप है 90 अंश की है और दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज हमारे समकोण त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे। दोनों के कम नेम को हम कंबाइन करेंगे तो ऐसा त्रिभुज हमारा कहलाता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट, यदि हम एफ के बारे में बात करें तो ट्रायंगल एलएमएन में इसकी तीनों एंगल की जो नाप है मेजरमेंट है उनका मेजरमेंट ऑफ एंगल एल एम और एन सभी 90 अंशों से छोटे हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था यदि किसी त्रिभुज की ऑल थ्री एंगल की जो मेजरमेंट है अगर 90 अंश से कम हो तो ऐसा हमारा जो त्रिभुज कहलाता है वो एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल कहलाता है, मीन्स न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें मैचिंग करना है। एक त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां अगर आपस में बराबर होती हैं तो हम उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, मीन्स समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोलते हैं समान लंबाई की यदि दो भुजाएं होती हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वह ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ऑल थ्री साइड डिफरेंट लेंथ की हो, अलग अलग लंबाइयों की अगर सभी भुजाएं बराबर ना हो, सभी भुजाएं अगर हमारी अलग अलग हो तो ऐसे त्रिभुज हमारे विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल कहलाते हैं। तो ये हमारा जो होगा फर्स्ट से मैचिंग करेगा स्केलेन ट्रायंगल से। थ्री एक्यूट एंगल, यदि किसी त्रिभुज में तीन न्यून कोण हो तो वह हमारा न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। वन राइट एंगल हो तो ऐसे त्रिभुज को हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि हमारा वो त्रिभुज हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वन ऑब्ट्यूस एंगल, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो तो वह त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे अब नेक्स्ट हमको बोलता है एक राइट एंगल हो और दो साइड की लेंथ हमारी इक्वल हो, तो ऐसा है ट्रायंगल यदि हम दोनों को कंबाइन करें तो वो हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। इट मीन्स समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कह रहा है कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वे। सबसे फर्स्ट यदि हम ट्रायंगल को देखें तो इसकी दो भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर हैं, मीन्स ये भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इस भुजा की भी लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, इट मीन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यदि हम कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम दें, क्योंकि सभी कोण इसके न्यून कोण है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारा ए वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो
एक कोण यदि 90 डिग्री का होता है तो वह त्रिभुज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक 17 सेंटीमीटर का है, दूसरा 8 सेंटीमीटर का है एंड तीसरी हमारी 15 सेंटीमीटर की है। तो यदि हम भुजाओं के आधार पर इस त्रिभुज का नामकरण करें, नेमिंग करें, तो इसका नाम होगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। मीन्स ये जो त्रिभुज है विषमबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। मीन्स आइसोसेलेस एक्यूट एंगल द ट्रायंगल, और ये हमारा हो गया स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट यदि हम सी नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन नंबर सी में हमारा जो है एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ। साथ ही साथ हमारी इस भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इस भुजा की भी लंबाई हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो ये अगर हम देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और साथ ही साथ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी है। तो इसका अगर हम कंप्लीट नेमिंग करें, नाम करें, तो इसका ट्रायंगल का जो नेम होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बोलेंगे। मीन्स समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखें तो एक कोण समकोण है और दो भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है, इट मीन्स आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में देखें तो ऑल तीनों भुजाओं की लंबाइयां हमारी आपस में बराबर है, इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। और नेक्स्ट यदि हम देखें तो इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एक कोण जो है हमारा अधिक कोण है, इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल भी बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल स्केलेन ट्रायंगल, इसका हम कंप्लीट नेम कर सकते हैं।